करनाल के डीएवी महिला महाविद्यालय में होम साइंस डिपार्टमेंट की ओर से प्रदेश स्तरीय फैशन डिजाइनिंग एवं फैशन टेक्नोलॉजी विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिप्टी डायरेक्टर व अन्य क्षेत्रों से आए बुद्धिजीवियों द्वारा कार्यशाला में अपने विचार रखे गए एवं छात्राओं को भविष्य की योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इस अवसर पर कॉलेज के प्रिंसिपल ने जानकारी देते हुए बताया कि कार्यशाला में करनाल, कुरुक्षेत्र, अम्बाला, यमुनानगर से विद्यार्थी आए हैं, जिनको फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र में जानकारियां दी जा रही हैं, जो आगे चलकर उनके लिए बेहद कारगर साबित होंगी। उन्होंने बताया कि फैशन डिजाइनिंग व फैशन टेक्नोलॉजी में माहिर छात्राएं आगे चलकर आत्मनिर्भर बन सकती हैं। इस क्षेत्र में छात्राएं लाखों की बजाय करोड़ों तक के बिजनेस कर आत्मनिर्भर हो सकती हैं। इस अवसर पर उन्होंने छात्राओं से आह्वान किया कि शिक्षा के साथ साथ वह आत्मनिर्भर बनने के लिए इस कार्यशाला में जानकारी अवश्य प्राप्त करें। देखिए समाचार एक्सप्रेस की खास रिपोर्ट। सबसे पहले होता है जो सबसे ज्यादा चलता है प्लेन व्यू, ठीक है। प्लेन व्यू में क्या होता है, वन अप वन डाउन, एक डाला ऊपर उठेगा एक नीचे रहेगा, वेस्ट हमारा इंसर्ट हो जाएगा, तो ये एक रिपीटिंग यूनिट हो गया वन अप वन डाउन। ये सबसे ज्यादा कपड़ा यही बनता अपनी इंडस्ट्री के अंदर। उसके बाद थोड़ा सा मान लो टेक्सचर देना फैब्रिक को, तो सबसे दूसरा है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला वी होता है ट्विल वी, ठीक है। ओके ओके, तो ट्विल वी होता है उसके अंदर। ट्विल वी में क्या होता है, आपके जो कपड़े आप पहनते होगे ना, सभी थोड़ा सा उसको ना आप बारीकी से देखोगे ना, तो ट्विल वी की सबसे अलग पहचान होती है कि डायगोनल लाइन बनती है कपड़े में। आप जब भी कपड़ा देखोगे ना, तो कपड़े का देखोगे तो डायगोनल लाइन बन रही होती है, तो वो ट्विल वीव्स में ही डायगोनल लाइन बनती है। अगर आपके कपड़े में डायगोनल लाइन बन रही है तो इट मींस कि ट्विल वीव है। अब ये डिसाइड करना कि कौन सा ट्विल वीव है, टू अप वन डाउन है। टू अप वन डाउन का मतलब है टू बाय वन लिखा हुआ है कहीं, अगर डिनोट करते हैं तो टू बाय वन ट्विल का मतलब होता है दो धागे बार्क के ऊपर है, एक धागा नीचे है, ठीक है। और यही रिपीटिंग यूनिट है हमारी, ये 2x1 ट्विल हो गया, ऐसे 3x1 ट्विल हो गया, 4x1 डाउन हो गया। क्राफ्ट करा, उसको असेंबल करा, सो दैट जो भी दूसरे कॉलेजेस के स्टूडेंट्स आके हमारे कॉलेज का देख सके कि हम क्या क्या काम करा रहे हैं। और एक हमारा सेमिनार हुआ था जिसमें आज हम डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस ने सबने अटेंड करा, जिसमें नीटिंग और डाइज के बारे में बताया गया कि डाइज जो हमारी है उसको हमें वेजिटेबल डाइज या हर्बल डाइज को ही यूज करना चाहिए। और उसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के बारे में बताया और बताएगी जो वीविंग है वो कैसी होती है, उसका क्या मतलब है, किस टाइप की वीविंग है और कितनी प्रकार की मशीनें होती हैं, और पानीपत वीविंग सेंटर में जाके हम उसको आगे परस्यू कर सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट्स को कैसे करना है, और वो सब हमें सहायता करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नंदिनी है, मैं फैशन डिजाइनिंग डिपार्टमेंट से हूँ, फैशन टेक्नोलॉजी कर रही हूँ। आज होम साइंस डिपार्टमेंट में बीएससी फैशन डिजाइनिंग के स्टूडेंट्स और बीवॉक फैशन टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स, होम साइंस के स्टूडेंट्स, और ये जो वर्कशॉप हमने लगाया है स्टेट लेवल वर्कशॉप है, इसमें अम्बाला, पानीपत, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर और दूर से, और हमारे पास बहुत बच्चे आज इस वीविंग वर्कशॉप में आए हैं। और सबसे पहले मैं यहाँ पर इनके हमारे साथ जो आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से डिप्टी डायरेक्टर वीविंग क्षेत्र से जो हमारे पास आए हैं पानीपत से, मैं उनका बहुत स्वागत करती हूँ कि उन्होंने इस वर्कशॉप को यहाँ लगवाने में और हमारी जो उन्होंने हेल्प और मदद की है उनके लिए मैं बहुत दिल से उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। इस वर्कशॉप के माध्यम से बच्चे अपना वीविंग का काम सीखकर खाली एक हरियाणा स्टेट में ही नहीं, हरियाणा के बाहर भी अपनी बहुत अपना जो भी ये सीखेंगे उससे बाहर अपना काम कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये काम सीखने से बच्चे सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप में आगे आएंगे, और जैसे ही वो सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप में है तो उसके बाद उनका कोई एंड नहीं है, वो 1,00,000 रुपये महीने से लेकर करोड़ रुपया महीना भी कमाने के काबिल बन सकते हैं, उनकी क्षमता है। उनको हमने आगे कहाँ कहाँ हम उनको रास्ता दिखा सकते हैं उसके लिए हमारा कॉलेज उनकी पूरी मदद कर रहा है। और आज हमारे पास गुप्ता सर आए हैं पानीपत से, तो उनका उन्होंने जो हमें आगे रास्ता मार्ग दिखा रहे हैं वो बहुत ही प्रोग्रेसिव है और बच्चे उससे पूरा फ़ायदा उठाएंगे, उससे मैं इनका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ सबका। और मैं यहाँ पर फैकल्टी जो हमारी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट लखविंदर है जियो, ये सारा पूरा काम कर रही है यहाँ पर,
जिस तरह से इन्होंने अपनी और फैकल्टी मेंबर्स को साथ लेकर इसको एक अंजाम दिया है और एक प्रारूप दिया है, बहुत मेहनत कर रही हैं, बच्चे उनसे बहुत खुश हैं और नया नया जो भी विंग का यहाँ पर काम सिखाया जा रहा है वो हरियाणा में ही, करनाल तो है ही है तो हरियाणा में भी और कहीं इस चीज़ को नहीं लिया जा रहा है। और हम, मुझे लगता है कि हमारा कॉलेज करनाल में नंबर वन और हरियाणा में भी नंबर वन है। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।